हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका नेस्ट किचन में। आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी। दोस्तों, पनीर भुर्जी एक ऐसी डिश है जो सबके घर पर बनती है और सबकी फेवरेट है। हम इस रेसिपी को इतनी सिंपल वे में दिखाएंगे कि आप इसको जब भी घर पे बनाएंगे ये बहुत ही इजीली बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए बिना देर के आज के अमेजिंग रेसिपी को देखते हैं। सबसे पहले एक गरम पैन में हम लेंगे 3 छोटे चम्मच घी। अब उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े प्याज जिनको हमने फाइनली चॉप किया है। प्याज को नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे कुछ देर तक भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच फ्रेश धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे 1 बड़े साइज का टमाटर जिसको हमने बारीक टुकड़ों में काटा हुआ है। अब हम इसको कुछ देर तक अच्छे से पकाएंगे। अब डालेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है 200 ग्राम स्क्रैम्बल्ड पनीर। अब हम इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले पनीर के साथ अच्छे से मिल जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच फ्रेश हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा क्विक और इजी ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे रोटी, भटूरे, नान या कुलचे के साथ गर्मा गर्म परोसे। तो कैसी लगी आपको आज की ये हमारी रेसिपी? आपकी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।